ओम ज्ञानतिमिरां तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च कृतिकानां पावनेभ्यो वैष्णवे नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेवकै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रतिदेवी सत्यवतै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव साधु गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्मा नित्यलीला प्रविष्णु विष्णु पाद श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्मा नित्यलीला प्रविष्णु विष्णु पाद स्तोत्र जप श्री श्री श्रीमद भक्ति विधान श्री लो नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोजन श्रद्धा पुष्पांजलि उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथादेव प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का ये उपदेश है। किसने श्रील प्रभुपाद को प्रश्न किया है, बोले अमार संबंध ज्ञान होए छे तार की कर ता की कर बुझबो। कहते हमारे भगवान को साथ में ये संबंध ज्ञान हो गया है, इसको हम कैसे समझे। हाँ ठाकुर के साथ में हमारी नाता बन गया है, संबंध जुड़ गया, उसको लक्षण किया है, हम पता कैसे चलेगा। तो प्रभुपाद कहते हैं दिव्य ज्ञान दत्ता श्री गुरुदेव कृपाए समद ज्ञान लाभ है। कहते ये समद ज्ञान कैसे होता है, बोले जो दिव्य ज्ञान प्रदाता से गुरु जी की कृपा से ही ये समद ज्ञान होता है। इसलिए हम कहते ना ओम अज्ञानतिमिरां तस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। इसका मतलब क्या है, ओम अज्ञान तिमिराम दस्य, हमारे जो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले कौन है, बोले गुरुदेव। जैसे सलाका द्वारा क्या करते हैं, आंख में आंजन लगाते हैं ना, बोले उसी तरह गुरुदेव ही हमारे आंखों में क्या करते, दिव्य ज्ञान रूपी जो अंजन जो काजल को गुरुदेव हमारे आंखों में लगा देते। जैसे काजल आंख में लगाते हैं, लगाने से क्या होता है, आंख की प्रकाश बढ़ता है, ज्योति बढ़ती है, आकाश की रोशनी बढ़ती है। इसलिए गुरुदेव क्या करते हैं, हमारे हृदय में भी ज्ञान रूपी ज्योति को गुरुदेव जगाते हैं, बोले तस्मय श्री गुरुवे नमः। ऐसे श्री गुरुपाद पद्म कहते चक्षुर उन्मिलितम मुझे न, गुरुदेव क्या करते हैं, बोले हमारे आँख को खोल देते हैं। बोले हमारे तो आँख क्या थोड़ी हमारे बंद थी, आँख तो खुली हुई पहले से ही, गुरुदेव हमारे आँख को क्या खोले, बोले हाँ पहले हमारे तो आँख खुला हुआ थी, लेकिन वो कैसे है, मैं और मेरा में, ये शरीर मैं हूँ और ये शरीर संबंधी वस्तु सब के सब मेरे हैं, इसी में ही हमारी ज्ञान हमारी इसके अंदर हम सीमित थी। लेकिन जब गुरु जी को बास में आते हैं कहते नहीं ये शरीर मैं नहीं, फिर मैं कौन हूँ, बोले जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। फिर ये ज्ञान होता है हम भगवान का नित्य दास है, और ये शरीर संबंधी जितने वस्तु है सब भगवान की सेवा की वस्तु है, इसमें हमारी वस्तु कुछ नहीं। इसलिए ये गुरु जी की कृपा से ही ये ज्ञान मिलता है। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं हाँ श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सदमा बंद मोहि सावधाना माते जहार प्रसादे भाई ए भव तरिया जाए
कृष्ण प्राप्ति हाय जाहा हाय ते। इसलिए गुरु जी कृपा से ही हम क्या करते हैं, ये संबंध ज्ञान को प्राप्त गुरु जी के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। बोले गुरु कृपाए यदि संबंध ज्ञान है से दिन जानते परा जाए कृष्ण ही अमर नित्य प्रभु, हम ही कृष्ण नित्य दास, कृष्ण सेवाई अमर नित्य धर्म। बोले जिस दिन गुरु कृपा से ये संबंध ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसी दिन से हम क्या जान पाते हैं, भगवान ही हमारे नित्य प्रभु भगवान है। लेकिन पहले हम क्या सोचते थे, भगवान थोड़ी प्रभु हमारी है, हैं हम तो खुद ही प्रभु है, हम खुद ही मालिक है, हैं। लेकिन गुरु जी की कृपा से पता चलता है कृष्ण ही हमारी नित्य प्रभु है और हम भगवान का कौन है। बोले जो जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम भगवान का नित्य दास है। और फिर जब नित्य दास, फिर हमारा कर्तव्य क्या है, बोले कृष्ण का सेवा करना ही हमारे नित्य धर्म है। इसलिए कृष्ण सेवा को छोड़ करके और कोई हमारी धर्म नहीं। जैसे गुरुदेव क्या करते हैं, एक बिचुआली होता है ना, क्या होता है बिचुआली बोलते हैं, बिचुला होता है, वो क्या करते हैं लड़का लड़की को बीच में संबंध, हाँ वो संबंध कर देता है, हैं संबंध कर देता है। जब संबंध कर देता है देखना लड़की शादी होने से पहले उसका मन कभी कभी इधर उधर भटकता है, कहीं अगर पिता माता कहीं बेटी के लिए कहीं बात कर रहे हैं तो पता चलता है हमारे हमको स्थान पर शादी होगा, वो लड़की का मन क्या होता है वहाँ चली जाती है, फिर शायद वहीं शादी होगा। फिर पता चला नहीं उससे देखा और एक अच्छा कोई है जो अच्छा नौकरी अच्छा पैसा कमाता है, जब वहाँ बात करते हैं ना फिर लड़की का मन लो शायद वहाँ पर हमारे शादी होगी, फिर वहाँ पर मन चली जाती। लेकिन जब यज्ञ करके यज्ञ की साखी करके अपना परिजन को सभी को साखी करके जब पिता माता क्या करते, जब बेटे को हाथ पे बेटी को हाथ को दे देते हैं ना, हाँ बोले ये तुम्हारी पति है, फिर लड़की को क्या पता चलता है ये मेरे पति है, अभी क्या करनी चाहिए इनकी ही सेवा में करनी चाहिए, फिर उसको संबंध ज्ञान हो जाता है। और संबंध ज्ञान से क्या करती है, फिर तो पति का सेवा पति का पूजा पति का सब कुछ वही पति का सब कुछ करता है कि उसको संबंध ज्ञान हो जाता है। जब संबंध ज्ञान होने से पहले क्या होता था, मन इधर उधर भटकता था, कभी इधर जाए कभी इधर जाए कभी इधर जाए, हैं मन स्थिर नहीं होता था। इसलिए कहते जब संबंध ज्ञान हो जाता है ना, फिर जब गुरुदेव कहते देखो आज से तुम अपना नहीं, तुम आज से कौन हो, बोले भगवान का नित्य दास हो, भगवान का नित्य दास हो। बस उसी दिन से क्या होता है संबंध ज्ञान बन जाता है। उसी दिन से फिर तो सबको छोड़ छोड़ करके, अभी तो क्या करते थे कभी इसी देवता के पास में चले जाते थे, कभी उसी देवता के पास में चले जाते थे, कभी उसी देवता के पास में मनोमति मांगते थे, कभी उसी देवता को, फिर पता क्या चलता है नहीं आज से कृष्ण ही हमारे पति। इसलिए मन मना भव, इसलिए कृष्ण गीता में क्या कहते हैं भैया मन देना तो और मन किसी को नहीं, मन केवल मुझे दो। बोले मत भक्त भव, अगर भक्त बनना तो किसका भक्त बनेंगे, भगवान की भक्त बनेंगे। बोले माम जाजी, पूजा करना तो किसकी पूजा, बोले मेरी पूजा। बोले माम नमस्कुरु, बोले प्रणाम करेंगे तो किसको करेंगे, ठाकुर जी को। बस इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, सब छोड़कर भगवान की शरण में आ जाता है, हैं शरण में आ जाता है, फिर उनकी पूजा सेवा उन्हीं में ही संपूर्ण जीवन को उसी में लगा देता है, वह जीवन पर धन्य हो जाता है। लेकिन ये किसकी कृपा से होता है, बोले से गुरु जी की कृपा से होती है। इसलिए कृष्ण ही एकमात्र समग्र विश्व एवं विश्वेर अतीत द्विबल वैकुंठ है एक छत्र सम्राट। बोले कृष्ण है कौन, हमारे संबंध ज्ञान कृष्ण के साथ में क्यों जोड़ने चाहिए, और भी तो है, और भी तो देवादेवी 33 करोड़ देवादेवी पड़े हुए हैं, कहते फिर उनको साथ में हम फिर क्यों संबंध ज्ञान नहीं जोड़नी चाहिए, बोले केवल कृष्ण को साथ में क्यों संबंध ज्ञान नहीं जोड़नी चाहिए, कारण क्या। तो इसका कारण यहाँ पर बताते, जो कृष्ण है ना, कृष्ण ही एकमात्र समग्र विश्व एवं विश्व अतीत द्विबल वैकुंठ रेखा छत्र सम्राट। कृष्ण कौन है, कहते भगवान जो कृष्ण
ये जो विश्व ब्रह्मांड है, हैं, केवल विश्व ब्रह्मांड नहीं, विश्व का अतीत है, अतीत जो वैकुंठ है भगवान की जो गोलोक वैकुंठ है, अयोध्या है, मथुरा है, वृंदावन, इसके भगवान एक छत्र सम्राट भगवान, सारा दुनिया का मालिक भगवान है, उनके सिवाय जगत में कुछ कुछ नहीं। इसलिए कृष्णा गीता में अर्जुन को क्या कहते, बोले अर्जुन मत परतरम नान्यत किंचित धन दे, हे अर्जुन देख ले मैं कौन हूँ, हे विराट रूप दिखा दिया ठाकुर जी, कहते मेरे को छोड़ करके जगत में और कोई चीज है नहीं, जगत का सर्वे सर्वा मालिक मैं हूँ, हैं मैं हूँ। इसलिए सुतराम तार पूजा है क्यों बाधा देते पारे ना, तार पूजा सकली कर छे किंतु अविध पूर्वक पूजा वाले पूजा कार्य कोनो सुविधा है ना, कहते इसलिए भगवान की सेवा के लिए जगत में कोई बाधा नहीं दे सकते, क्यों दुनिया का मालिक तो वही है, हैं, इसलिए तार पूजा सकली कर छे, हम ही उसकी पूजा कर रहे ऐसे बात नहीं, कहते हैं इसलिए कहते हैं स्वयं भगवान शंकर भी क्या करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, माँ देवी क्या करती हैं, भगवान की पूजा करते हैं, इसलिए कहते हैं शंकर पार्वती प्रवृति अर्बाद्भुत नारी लया शंकर शरण पूज्य शिव उपासक हो, या शंकर शंकर वो क्या करते हैं, पार्वती और अनंत स्त्रियों को लेकर के, शंकर जी स्त्री को लेकर के किसकी पूजा करते, बोले शंकर शरण की पूजा करते, उनका गुरुदेव, और वो किसको पूजा करते, बोले भगवान कृष्ण को पूजा करते हैं, और भगवान ब्रह्मा भी क्या करते हैं, वो भी भगवान की पूजा करते हैं, इसलिए इंद्र चंद्र वायु वरुण, इसलिए कहते जम है, इसलिए जम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तु नई, रुद्र मरुतस्तु नई स्तुति करते हैं, वेदई सांग क्रमोपनिषद गायत्री जत सामगा, समस्त वेद पुराण क्या करते भगवान की स्तुति करते हैं, हैं ज्ञानावस्थी जत गते न पश्यन्ति जत जोगिनाम, जोगी लोग क्या करते हैं अपना समाधि को तरह उसके ही पूजा करते हैं, हैं, इसलिए समस्त देवादेवी उन्हें पूजा करते हैं, इसलिए किंतु अविध पूर्वक पूजा वाले पूजा करने को सुविधा है ना। देखो पूजा दो तरह का होता है, कहते एक विधि पूर्वक एक अविधि पूर्वक, इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं विधि किसको कहते हैं और अविधि किसको कहते हैं, हैं, विधि किसको कहते हैं अविधि किसको कहते हैं, कहते जरा बोले जो लोग कोई कोई सूर्य देवता को पानी देते हैं, सूर्य देवता को भी पूजा करते हैं, कोई कोई गणेश जी को भी पूजा करते हैं, कोई कोई माता देवी को भी पूजा करते हैं, कोई कोई छाया शक्ति पूजा करते हैं, कारण कृष्ण इत कार संबंध स्वतंत्र अधिष्ठान नाई, इसलिए कहते जो इन इन देवता को जो पूजा करते हैं, यहाँ पर कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन मेरे को छोड़ करके किसी को स्वतंत्र रूप में किसकी है, किसकी स्वतंत्र अधिष्ठान नहीं, मेरे को छोड़ करके जगत में किसी की स्वतंत्र रूप में अधिष्ठान नहीं है, मैं ही सभी के हृदय में मैं ही विद्यमान हूँ, मैं ही एक एक देवता को एक एक काम में नियुक्त किया है, एक एक काम में सरस्वती को बोले देखो तुम्हारी काम विद्या दो, गणेश जी को बोले तुम सिद्धि दो है, इसलिए हनुमान जी को बोले तुम बल दो, इसलिए लक्ष्मी को बोले तुम विद्या दो, इसलिए भगवान ही एक एक देवता को अलग अलग रूप में उन्होंने उन्हें नियुक्त किया, तुम ये काम को तुम करा करो, भगवान ही उनको दिया है, किंतु छायार पूजा हो है जाओ आए तार स्वरूप ज्ञान व संबंध ज्ञान हो छे ना, इसलिए कहते हैं ए, ए, एक होता है छाया, जैसे शरीर का एक छाया होता है, इसलिए मूल कौन है, बोले भगवान कृष्ण है, इसलिए ये मूल है, इनको छोड़कर जब इन्हीं अलग अलग देवता को हम पूजा करते हैं, कृष्ण कहते हैं जे अपि अन्य देवता भक्त्या जदन्ति श्रद्धा नितम स्ते अपि मामेव कौन्ते जजन्ति अविध पूर्वक, जो दूसरे दूसरे देवादेवी को पूजा करते हैं, हैं दूसरे दूसरे कहते हे अर्जुन एक तरह से मेरी पूजा करते हैं, बोले क्यों, बोले उनको ही मैंने अलग अलग काम में नियुक्त किया, और अंतर्यामी रूप में कौन बैठा है, मैं ही तो बैठा हूँ हृदय में, मेरे सिवाय तो जगत में कुछ है नहीं, लेकिन
उनको पूजा करने पर भी वो विधि नहीं है, वो अविधि है, वो विधि नहीं है, वो अविधि है, हैं? लेकिन जो भगवान कृष्ण को हम पूजा कर देते हैं, जगत में तो 33 करोड़ देवता कितने, किसको बनाए, किसको नाराज करे, लेकिन भगवान कृष्ण को जब हम पूजा करते हैं उसमें क्या होता है, बोले विधि बास उनकी। इसलिए सुखदेव गोस्वामी भागवत में दो उदाहरण देकर समझाए, कहते जथा तरूर मूलम निश्चन तृप्यंति तत्स्कंध भूज उपसखा, जैसे वृक्ष का जड़ में पानी देने से वो सारे पानी वृक्ष में चली जाती है, डाल पत्ता फूल में चली जाती है, हैं? अगर कोई जड़ में पानी नहीं तो दीप दर्द फल में धोए, उसको फूल को धोए, टहनिया को धोए, पत्ता को धोए, बोले पेड़ जिंदा रहेगा, लेकिन जड़ में पानी मत दो, हैं? जड़ में पानी मत दो, दिन भर पेड़ को धो, जिंदा रहेगा, वो जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन कहीं भी पानी मत दो, लेकिन जड़ में पानी दे दो ना, क्या होगा, हरा भरा हो जाओगे, कहते उसी तरह। लेकिन फिर एक उदाहरण दिया, बोले देखना माली जब बगीचा में पानी देता है ना, आप देखना वो जड़ में भी पानी देता है, कभी कभी ऊपर में भी थोड़ा थोड़ा पानी दे देता है, छिड़क देता है कि नहीं। इसलिए किसने किसने प्रश्न की, लेकिन हाँ कृष्ण को भी हम भक्ति करें, लेकिन जो दूसरे दूसरे देवादेवी है ना उनको भी थोड़ा थोड़ा पूजा कर ले, उनको भी थोड़ा थोड़ा उनको पूजा कर ले, हैं? फिर उन्हें दूसरा उदाहरण दिया, बोले प्राण उपहारास जथेन्द्रियाणाम, उदाहरण दिया जैसे भोजन हम कहाँ देते हैं, मुंह में देते हैं, जैसे मुंह में भोजन देने पर क्या होता है, संपूर्ण शरीर में पानी, संपूर्ण शरीर में भोजन चली जाती है, फिर अलग रूप में कहीं देने का जरूरत नहीं, कान में थोड़ी कोई दाल डाल देते हैं, आंख में थोड़ी कोई सब्जी देते हैं, हाथ को फाड़ करके रोटी थोड़ा दे दो, क्यों, बोले कि अभी तो काम कर रहे ना, अभी तो काम कर रहे हैं, बोले एक समय ये आंख कान हाथ पैर स्ट्राइक कर लिया, बोले क्या स्ट्राइक कर लिया, बोले ये जीवा बैठ बैठ कर बढ़िया बढ़िया खाना खाता है, हाँ ये बैठ स्वाद तो जीवा लेता है ना, स्वाद तो सारे जीवा ही लेती है, और हम बेकार दिन भर हाथ बोलता है दिन भर मैं ही काम करता हूँ, प्यार बोलता है मैं चलूंगा नहीं तो थोड़ी चल पाएगा, हैं? मैं चलता हूँ तो ती काम करते हैं, आग बोलता मैं नहीं देखता तो चलोगे कहाँ, कान कहता मैं सुनता तभी तो सारे काम करता हूँ, बोले ये जीवा को ना मजा चखा देंगे, हैं? ये जीवा को मजा चखा देंगे, हम स्ट्राइक कर देते हैं, हैं? स्ट्राइक क्या कर दे, हाथ लेकर के भोजन देता है ना, तभी तो मुंह में जाता है, हाँ तभी तो जाता है, आंख बोलता मैं देखता हूँ कौन दाल सब्जी तभी तो होता है काम, हाँ मैं नहीं देखूंगा तो कहाँ से करेगा, प्यार बोलता मैं चल कर जाऊंगा तो करूंगा, देख काम करो बंद कर दो, ये जुआ को जो बढ़िया बढ़िया बैठ करके मालपुआ राबड़ी रसमलाई और खीर खाता है ना, इसको बंद कर दो, स्ट्राइक कर दिया, जब स्ट्राइक कर दिया इतने में एक दिन तो किसी तरह से गया, लेकिन जब दूसरे दिन ही हुआ ना, हे घबरा जीव घबराने शुरू हो गया, हैं? फिर जो दो दिन तो किसी तरह से बहुत कष्ट कर से किया, हे जब तीसरा दिन हुआ प्यार और काम नहीं कर रहा, हाथ वैसे पड़ गया, आंख में एकदम अंधकार अंधकार हो रहा है, कान में भी सुनना बंद हो गया, हैं? एकदम सारा शरीर, क्योंकि भोजन नहीं दे रहा, जीवा में भोजन नहीं दे रहे हैं, भोजन नहीं देगा तो कौन कैसे काम करेगा, हे सबके सब जो ट्राई कर रहे, तो बोले भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, इसलिए जीवा को बढ़िया बढ़िया खाना देते हैं, तभी तभी हमारे सारे काम हो रहा है, नहीं तो काम नहीं होगा। कहते उसी तरह जो भगवान है, हैं? कहते आहार कहाँ देते हैं, आहार मुंह में देते हैं, हैं? मुंह में आहार देते हैं, तभी सारे इंद्रिया हमारी काम करते, बोले उसी तरह जैसे आंखों में कानों में प्यार में नहीं देते दाल भात सब्जी, उसी तरह तथैव सर्व आहरण, मतलब 33 करोड़ देवा देवी जिसको पूजा करते हैं, कौन है भगवान श्री अच्युत, कहते भगवान अच्युत मतलब जिसका कोई च्युत नहीं, जब उनकी हम पूजा कर लेते हैं और सभी का जगत में च्युत है नष्ट होगा, लेकिन भगवान केवल जगत में नष्ट नहीं होते हैं, कहे इनकी पूजा से क्या होगा, बास 33 करोड़ देवता अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे, अलग किसको पूजा करने का कोई जरूरत नहीं। इसलिए किंतु छाया पूजा हो जावाए तादर स्वरूप ज्ञान बा संबंध ज्ञान हो छे ना,
पिछले दूसरे देवा देवी को पूजा करने से क्या उसकी छाया की पूजा हो जाए हो रही है, इस जो मूल की पूजा नहीं हो रही, इसका मतलब उसका स्वरूप संबंध ज्ञान ठीक उसकी नहीं है, है? उसकी स्वरूप संबंध ज्ञान ठीक से उसकी नहीं है। दूसरे दूसरा प्रश्न किया है, सेवा बाद दिए निजे सुखे थाकिवार चेष्टा की भालो। अगर कोई व्यक्ति सोचे अरे सब सेवा फेवा करने का क्या जरूरत है, बढ़िया से आराम से रहो, खाओ पियो, दिन भर अपना कैसे खाएंगे पिएंगे, अपना सुख सुविधा को हम देखेंगे, ये सेवा फेवा करने का क्या जरूरत है, हैं? तो किसने पूछा पूछा ये क्या ठीक है, तो प्रभुपाद कहते कख नहीं ना, बोले कभी ऐसे नहीं होनी चाहिए, कभी ऐसे नहीं होनी चाहिए। निजे सुखे थकवार चेष्टा तो अभक्ति, अगर कोई सोचे हर किसकी सेवा सेवा करने का, खुद खाओ पियो मस्त रहो आनंद में रहो, जरूरत नहीं, बोले नहीं, प्रभुपाद कहते हैं, कहते इसको भक्ति नहीं कहते हैं, इसको भक्ति नहीं कहते हैं। जे व्यक्ति हरि गुरु वैष्णव सेवा बाद दिए निजे सुख स्वास्थ्य निये व्यस्त थाके तिनी अपरे निकट हते सेवा चाहिले हो अपर तार सेवा व्यस्त हो ना। यहाँ पर कहते हैं जो व्यक्ति ठाकुर का सेवा छोड़ करके, वैष्णव का सेवा छोड़ करके, गुरु जी की सेवा को छोड़ करके, खुद कैसे हम अच्छे रहेंगे, जो इसी में ही मस्त रहते हैं, इसी में ही मस्त रहते हैं। तीन अपर निकट आते सेवा चाहिए अपर तार सेवा व्यस्त हो ना। अगर वो व्यक्ति चाहेगा केवल हम सेवा लेना चाहते, सेवा करना नहीं चाहते, पर उसको सेवा कौन करेगा, हम दूसरे को जब सेवा करेंगे तभी तो हमारी कोई सेवा करेगा ना, है? अगर हम किसकी सेवा नहीं करेंगे हमारी सेवा फिर कौन करेगा, फिर हम कैसे चाह सकते हैं, है? हमारी कोई सेवा करनी, हम अगर किसकी सेवा करें स्वाभाविक रूप में को क्या देखेगा, वो हमारी सेवा करे, हमारी भी कर्तव्य है उनके भी सेवा करो। जैसे हमारे घर में कोई आए, अगर हम उनको बढ़िया बढ़िया प्रसाद बढ़िया सेवा की, फिर हम जब उनको घर में जाएंगे वो भी हमारी सेवा करेंगे। इसलिए उपेक्षा अप्रशंसा पात्र हो था के, इसलिए यहाँ कह रहे हैं तार सेवा व्यस्त किंतु तीन सकल उपेक्षा और अप्रशंसार पात्र हो था के। उसमें क्या होता है जब कोई सेवा नहीं करके केवल सेवा लेना चाहते हैं, फिर उससे क्या होता है सब लोग उसको उपेक्षा करते हैं, बड़े स्वार्थी है, हैं? सेवा हवा तो करता नहीं, हर समय सेवा लेने के चक्कर में, हाँ, सेवा लेने के चक्कर में, इसलिए बड़े ये स्वार्थी आदमी है, इसलिए लोग क्या उसको उपेक्षा कर देते हैं और क्या करते हैं अप्रसार पात्र हो था के जगत में उसको कोई बड़ाई प्रशंसा कोई नहीं करते हैं। इसलिए एक महाराज जी बोलते थे, जैसे मंदिर में सेवक है ना, सेवक अगर मंदिर में कोई सेवा सेवक आए, अगर वो सेवा नहीं करता है मंदिर में, केवल बैठे 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 केवल प्रसाद का समय आकर बोले प्रसाद पाए हैं, लेकिन वो सेवा नहीं करेगा फिर क्या होगा, वो संत उदाहरण देते थे, जैसे फुटबॉल होता है ना, फुटबॉल मैदान में देखना, ये मारता है उसको पास में, वो मारता है उसको पास में, वो मारता है उसको पास में, हाँ पैर में उसको मारते रहते, इसलिए क्या होता है फिर उसको कोई मंदिर में रखना नहीं चाहते, कोई मंदिर में नहीं रखता भैया, किचन बहाना मान अमुक जगह में जरूरत सेवक है वहाँ पर चले जाओ महाराज जी वहाँ बुला रहे, लेकिन वहाँ जाएगा वहाँ भी ऐसे बैठे बैठ कर खाएगा सेवा नहीं करेगा, वो बोलेगा ये तो बैठे बैठे खाते हैं तो पेटू बन रहा है, बोले जाओ उसी मठ में चले जाओ, फिर उसको कोई नहीं रखेगा। लेकिन अगर कोई सेवा करता है मंदिर में आकर बैठने, हर समय गुरु वैष्णव ठाकुर का सेवा करता है, ये उसको कोई जाने नहीं देते, बहाना बनेगा नहीं भैया तुम यहीं पर रह जाओ, जिस चीज़ की तुम्हारी जरूरत हो हम सब चीज़ देने के लिए तैयारी, इसलिए कोई चिंता मत करो सब चीज़ देंगे, लेकिन यहीं पर रहो और क्या करो ठाकुर जी की गुरु वैष्णव की तुम सेवा करो। इसलिए आप देखना दुनिया में सब जगह में जहाँ पर कोई सेवा करते हैं उनको सबके सब मेवा मिलता है, सेवा के बगैर मेवा उसको नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अप्रसार पात्र हुए था के जगत में उसका कोई भी प्रशंसा नहीं करते हैं। पख्यांतर जे व्यक्ति निज सुख सुविधा अग्राह्य करे गुरु कृष्ण सेवा सर्वक्षण कायम न वाक्य नियुक्त था के तार सेवा करिवार जने लख लख व्यक्ति एमन की स्वयं महाप्रभु पर्यंत ऐसे उपस्थित। देखो यहाँ पर क्या कहते हैं,
फिर जो व्यक्ति अपना सुख सुविधा नहीं देखते हैं, अपना सुख सुविधा कभी देखते नहीं, हर समय क्या करते हैं, सुख सुविधा को अग्राह्य करके हर समय गुरु जी की कृष्ण की सेवा में सर्वक्षण हर समय काय मन वाक्य को द्वारा नियुक्त रहते हैं, क्या होता है कहते उसकी सेवा करने के लिए लख लख व्यक्ति उसको सेवा करने के लिए तैयारी होते हैं। एक वैष्णव थे, वो क्या जैसे रथ यात्रा जगन्नाथ जी रथ यात्रा होता है, जगन्नाथपुरी गए, जैसे वहाँ पर किसी गौड़ी मठ में रुकेंगे हैं, रुकेंगे तो रुकने से पहले क्या करते थे, अपने जो बेडिंग बिस्तरा है ना वो मंदिर के बाहर रख लेते थे, रख करके पहले जा करके देखते थे यहाँ पर कौन सा सेवा की ज़रूरत है, हैं कौन सी सेवा की ज़रूरत है, वो जा करके जैसे सब्जियाँ मुनिया करना, जाकर को साफ सुथरा करना, रोसी करना, ये सेवा करके उसको बाद में जा करके प्रसाद पाते थे। अगर कोई बोले भैया तुम अभी आए प्रसाद पा लो, उसको बोले नहीं पहले मैं सेवा करूँगा, सेवा के बगैर अगर अगर हम कुछ ग्रहण कर लिया तो हम ऋणी बन जाएंगे, हम किसका हम ऋणी बन जाएंगे, इसलिए हम किसके ऋणी बनना नहीं चाहते, पहले सेवा करके फिर जा करके हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। इसलिए वो इतने सबको प्यारा होते थे, रथ यात्रा में बहुत भक्त लोग आते, सब चाहते भैया कुछ लोग होनी चाहिए जो कि सेवा भी करे, सेवा भी करे, इसलिए वो क्या करते थे आ करके सारे मंदिर की साफ सुथरा करना, सब्जियाँ मुनिया करना, अपने आप लग जाते थे। इसलिए हर मंदिर के लोग चाहते थे भैया उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, अच्छा सेवक है आ करके और सेवा करता है, मंदिर में सेवा करता है। इसलिए जो व्यक्ति अपना सुख सुविधा को छोड़ करके हर समय भगवान हरि गुरु वैष्णव की सेवा में हर समय लगे रहते हैं, कहते उसकी सेवा के लिए लख लख लोग तैयार होते हैं, फिर उसको सेवा के लिए कहते यहाँ तक भी महाप्रभु स्वयं उसकी सेवा करने के लिए महापुरुष स्वयं उपस्थित, ठाकुर जी उनकी सेवा करने के लिए महापुरुष स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। ठाकुर जी बोले एक छोटी सी कथा सुन लो, बोले एक समय दो पति पत्नी वो साउथ में है, दो पति पत्नी साउथ में, लेकिन दोनों नारायण का भक्त, लक्ष्मी नारायण का दोनों ही सेवक है, बड़े सेवक है। एक समय उनको अपने बगीचा में एक तालाब खोद रहे थे, बोले यहाँ पर तालाब खोदेंगे तो पानी होगा, ये पानी से शुद्ध पानी से हम ठाकुर का सेवा करेंगे। लेकिन जब तालाब खोद रहे थे पति क्या कर रहा था, हाँ पति गर्भवती होने पर भी ठाकुर का सेवा, भगवान के लिए तालाब बन रहे, भगवान के लिए मंदिर बनेगा, भगवान के लिए बनेगा, इसलिए क्या पत्नी सर पर टोकर में भगवान देख रहे, रीज है देखो भैया मेरे लिए तालाब बना रहे हैं, पत्नी गर्भवती इसी अवस्था में कितने कष्ट हो रहा है, और सर पर क्या कर रहे हैं मिट्टी को लेकर के, कभी मिट्टी लिए सर में, कभी तो गांव में जन्म नहीं लगे, बहुत कठिन है सर पर मिट्टी लेकर के लेकर फेंकना, हाँ अभी इतने में ठाकुर जी ने क्या किया ना, ठाकुर जी ना रूप धारण करके आ गए, हैं भगवान स्वयं रूप धारण करके आ गए, हाँ करके उसकी पत्नी का रूप धारण करके ठाकुर जी क्या करते थे, ठाकुर जी को बच्चे बन करके आ गए, हाँ करके वो सर पर टोकरी रख करके मिट्टी को फेंकने लग गए। जब फेंकने लग गए तब उन्होंने और जिसको सर पर देते थे उनको लगा भैया ये इतना जल्दी कैसे आ जाते, फेंकने के लिए समय लगेगा ना, थूर में दूर में जा करके मिट्टी फेंकना समय लगेगा, लेकिन इतने जल्दी कैसे आ जाते हैं। लेकिन वो तो भक्त सब समझ लेते, बोले ये स्वयं नारायण है, ये भगवान स्वयं ये बालक बनकर आ जाते हैं और ये मिट्टी, और उनको खदेड़ते, बोले नहीं तुमको नहीं करना, क्योंकि भक्त क्या चाहता है भगवान की सेवा में अपना हाथ से करे, भगवान से क्यों करवाए, भगवान से क्यों कराए, हम तो अपना हाथों से करे ठाकुर का सेवा, ए भगाए भाग यहाँ बच्चा तुमको मिट्टी लेने का जरूरत नहीं। लेकिन बारंबार ठाकुर जी घूम कर आ जाते हैं, ठाकुर जी बारंबार घूम कर आ जाते हैं, हाँ इसलिए जो व्यक्ति ठाकुर का सेवा करते हैं ना भगवान भी स्वयं सेवा करने लग जाते हैं। बोले कोई है कि संत था, उन्होंने भगवान की भजन किया, भजन किया तो वहाँ पर माँ लक्ष्मी प्रकट हुई, जब माँ लक्ष्मी प्रकट हुई तो बोले भैया नारायण कहाँ है, ये नारायण कहाँ है, ये तो आप अकेले नारायण का, तो बोले देखो मर्त्य जगत में एक भक्त है, अभी वो पति पत्नी दो है लेकिन भगवान की मंदिर है, वो सारे सेवा दोनों पति पत्नी करते हैं, इसलिए
वो दिन भर ठाकुर का सेवा करते हैं, इसलिए भगवान स्वयं एक सेवक का रूप धारण करते हुए हैं चले गए और ठाकुर जी स्वयं ठाकुर का सेवा कर रहे हैं। क्योंकि दोनों पति पत्नी मंदिर है, दोनों को संभाल नहीं जाते हैं, इतना सेवा करके देख करके ठाकुर जी स्वयं वहाँ पर सेवा कर रहे हैं। अगर तुम ठाकुर को दर्शन करने के लिए जाना है ना, जाओ भरते जगत में अमुक स्थान पर जाओ, देखना अमुक नाम से देखोगे वो स्वयं भगवान विष्णु है, उस भगवान स्वयं विष्णु है। इसलिए वो आए भक्त संत, संत आ करके जो स्वयं भगवान थे ना, अभी उनका नाम मेरा याद नहीं आ रहा, तब उन्होंने बोले भैया अमुक नाम का व्यक्ति कोई है, उन्होंने अपना नाम को बदला दिया था ठाकुर जी ने, हैं उन्होंने आकर ठाकुर जी को पूछ लिया, वो ठाकुर जी सेवक बने हुए, बोले अमुक व्यक्ति है, तो उन्होंने बोले भैया क्यों उनको ढूंढ रहे हो, तो उन्होंने बोले मैं वैकुंठ में ठाकुर को भजन किया तो माँ लक्ष्मी अकेली प्रकट हुई, वो नारायण नहीं थे। मैंने पूछा नारायण कहाँ गए हैं, माँ लक्ष्मी बोल दिया अगर नारायण को दर्शन करना हो तो जाओ वो मंदिर में जाओ, स्वयं अमुक नाम से ठाकुर जी स्वयं वहाँ ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, पानी लेना, बर्तन साफ करना, रोसी बनना, भगवान स्वयं करते, ठाकुर जी स्वयं कर रहे हैं। जब ये बात पता चला तो पकड़ा गया मैं, ठाकुर ने तो छुप कर सेवा कर रहे थे ना, बोले मैं तो पकड़ा गया, वे ठाकुर जी थोड़ी देर बाद अंतर ध्यान, ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए ठाकुर जी। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो अपना स्वार्थ को त्याग करके भगवान की जो सेवा करते हैं क्या होता है, महाप्रभु स्वयं उनकी सेवा करने के लिए ठाकुर जी स्वयं वहां पर उपस्थित हो जाते हैं, ऐसे हैं ठाकुर की कृपा। इसलिए कहते सेवा को बात छोड़ करके हैं सुख सुख में रहने के लिए सेवक कभी नहीं चाहता है, हर समय चाहता है, बल्कि यहाँ तक तो पृथ्वी महाराज कहते प्रभु मेरे को 1000 हाथ दे दो, 1000 कान दे दो, 1000 रूप दे दो। बोले क्यों, 2 कान से तो बढ़िया लग रहा है। बोले प्रभु मैं चाहता हूँ 10,000 कान पाकर तुम्हारी कथा सुनते रहो, हर समय हमारे जितने स्वरूप प्राप्त करते हुए एक जगह में कितना तुम्हारी सेवा कर सकता हूँ, जितना रूप होगा उतना मैं तुम्हारी सेवा ही कर सकता हूँ, इसमें सेवा में इतने आनंद। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं हैं इसलिए सेवा सुख पेय मने, बोले प्रभु मैंने जो सेवा करने का जो आनंद है ये आनंद पा करके मैंने सब कुछ दुनिया को मैंने भूल गया है, सारे दुनिया को भूल गया, क्योंकि ठाकुर के सेवा में बड़ा आनंद है, मस्ती है। वंशा कल्प दुर्भ्य कृपा सिंधु भय वच पत्ता नाम पावन भो वैष्णव भो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर ब्रह्मानंद हरि हरि।